और देखिए, देश में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है। पीएम ने इस मौके पर कहा कि अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है और आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, शुमार हो गया है, जहां इस तरह की सुविधाएं हैं। देखिए, कल से इस रूट पर ये मेट्रो सर्विस शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन के बीच चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद 57 किलोमीटर लंबे पिंक लाइन पर भी मजलिस पार्क और शिव विहार के बीच 2021 के मध्य तक चालक रहित मेट्रो सेवा की शुरुआत की जा सकती है। पीएम मोदी ने इस मौके पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत कर दी है। इसमें डेबिट कार्ड मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की तरह ही काम कर सकता है। यात्री गेट पर उसे पंच करके यात्रा कर पाएंगे। पैसे यात्री के बैंक अकाउंट से सीधे कट जाएंगे और लोगों को मेट्रो का स्मार्ट कार्ड साथ लेकर भी चलने की जरूरत नहीं होगी। 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। यह दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले जब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था, उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। ड्राइवरलेस मैजेंटा लाइन की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। खास बात यह है कि ये देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है और इसके बहुत सारे फायदे भी, मेट्रो सोच रहा है कि इससे बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन उससे पहले आप रूट समझ लीजिए कि कौन कौन लोग इस ड्राइवरलेस मेट्रो में चल पाएंगे। ये जनकपुरी वेस्ट से शुरू होगी, ये मैजेंटा लाइन है और इसके जो मेन स्टेशन है 25 मेट्रो स्टेशन से होती हुई जाएगी। ये सदर बाजार का आप देख रहे हैं, पालम मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं और इसके बाद में आईआईटी होते हुए हौज खास जाएगी और उसके बाद में ये कालकाजी होते 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 आपका नोएडा में जाएगी, जसोला भी इसमें पड़ेगा और फिर बोटानिकल
लास्ट मेट्रो स्टेशन इसका होगा। टोटल 25 मेट्रो स्टेशन इसके अंदर पड़ेंगे। ये पूरी मेजेंडा लाइन है जो ड्राइवर लेस अब चलेगी। बहुत सारी खूबियां हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको वो खूबियां भी बताएंगे कि मेट्रो इस ड्राइवर लेस मेट्रो से क्या उम्मीदें कर रहा है और इसका भविष्य क्या होगा। और सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है कि क्या ये उतनी ही सुरक्षित रहेगी जितनी की बाकी मेट्रो जिसमें अभी तक ड्राइवर होते थे, या उससे ज्यादा सुरक्षित होगी। ये तमाम चीजें हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे। अब आप जिस मेट्रो की तस्वीर देखने वाले हैं वो देश की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो है। ये तस्वीरें देख लीजिए और इसके अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की मेट्रो होगी। और सिर्फ ड्राइवर लेस होने का मतलब ये नहीं है कि अब इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, बल्कि बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर बदल जाएंगे। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ दो ही लाइन ऐसी हैं जिन पर ड्राइवर लेस मेट्रो चल सकती है, पिंक और मैजेंटा लाइन। इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा और इस मेट्रो के साथ आप जब सफर करेंगे तो आपको क्या क्या नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी, वो भी हम आपको इसमें समझाएंगे। ड्राइवर लेस मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले इस गेट से होती है। इस गेट से शुरुआत हम इसलिए करके बता रहे हैं कि पहले जब ट्रेन मेट्रो स्टेशन पर रुकती थी तो ये गेट ड्राइवर खोलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी कि ड्राइवर लेस मेट्रो के अंदर ये सिस्टम दूसरी तरीके से काम करेगा। ड्राइवर इस गेट को नहीं खोलेगा, बल्कि सिस्टम के तहत ये दरवाजा अपने आप खुलेगा जब जैसे ही मेट्रो मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेगी। और क्या क्या बदलाव होंगे उसकी तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। पहले आप मेट्रो के अंदर आ जाइए। आपको एक यहां बटन मिलता था जिसे आप दबाते थे आपातकालीन स्थिति के दौरान। आपकी बात यहाँ मौजूद ड्राइवर से होती थी और वो आपकी समस्या का समाधान करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे तो आपकी बात कंट्रोल रूम में होगी। कंट्रोल रूम में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी बात को सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हालांकि एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ से अभी इस मेट्रो के अंदर मौजूद रहेगा, उसे ये जानकारी दी जाएगी जो भी आपको दिक्कत होगी, उसके बाद में समाधान किया जाएगा। तो दो बड़े परिवर्तन मैंने आपको बताया, पहला इस गेट का जब जो ड्राइवर खोलता था जब मेट्रो स्टेशन पर जाकर ये मेट्रो रुकती थी, और दूसरा इमरजेंसी बटन का। अब ये दोनों काम ऑटोमेटिकली होंगे और कंट्रोल रूम के जरिए होंगे। और भी बहुत सारे नए सिस्टम इस मेट्रो के अंदर लगाए गए, तमाम सिस्टम की तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। मेट्रो के जिस केबिन में भी हम हैं वो ड्राइवर लेस केबिन है। इससे पहले इसी केबिन में ड्राइवर होता था जो आपको तमाम सुविधाएं मेट्रो के साथ चलाने के साथ देता था। वो क्या क्या थी ये भी समझाएंगे। सबसे पहले आप देश की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो देख लीजिए कि किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। यहाँ पर अगर आप ये डोर के बटन देखेंगे, पहले ड्राइवर इन बटनों के जरिए स्टेशन पर डोर को ओपन करता था, लेकिन ड्राइवर लेस मेट्रो में इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होगा। ड्राइवर लेस में अपने आप ये डोर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद ओपन हो जाएंगे। और साथ ही बहुत सारे सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं। कोशिश ये है कि ड्राइवर लेस मेट्रो के जरिए उस वक्त को बचाया जाए जो अभी तक वेस्ट होता था। मेट्रो ये मानती है कि सुबह के वक्त जब मेट्रो की शुरुआत होती थी, ऑपरेशन शुरू होता था, तो बहुत सारे तरीके से टाइम वेस्ट होता था, लेकिन अब वो टाइम बचेगा। यही वजह है कि मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर लेस मेट्रो की शुरुआत आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन सिग्नल दिखा के किया है। और अब इसके साथ जो बदलाव होंगे वो भी समझ लीजिए। स्टेशन पर डोर अपने आप ओपन होगा, पहले वो ड्राइवर के साथ होता था। इमरजेंसी बटन एक होता है जिसे आप दबाकर ड्राइवर से बात कर सकते थे अगर आपको कोई दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी बात सीधा कंट्रोल रूम में होगी। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये ड्राइवरलेस मेट्रो एक पूरे सिस्टम के साथ चल रही है। बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं, कैमरे के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, देखा जा रहा है कि कहां कहां मेट्रो इस समय है। और ये पूरा सिस्टम एक बनाया गया है ताकि नजर रखी जा सके हर दिक्कत पर, और साथ ही जो मेट्रो के अंदर सफर करेंगे अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो सीधा कंट्रोल रूम से उनकी बात भी इस मेट्रो में हो सकेगी। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे ड्राइवर लेस मेट्रो की जो देश में शुरू हो चुकी है। पहली मेट्रो से ये आप तस्वीरें देख रहे थे, ड्राइवर लेस देश की पहली मेट्रो के अंदर हम आपको उस केबिन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पहले इस चेयर पर ड्राइवर बैठता था। अब ये ड्राइवर लेस पूरी तरीके से बना दी गई है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन ये कि अब ये सेंसर कैमरा
और पूरे कंट्रोल रूम के जरिए चल रही है। पहले मेट्रो ये मानती है कि बहुत सारी दिक्कतें आती थी ड्राइवर की वजह से, यानी कि पहले वो अपना ड्यूटी पे आता था जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता था, और फिर ये तमाम चीजों को चेक करता था कि प्रॉपर वर्किंग कर रही है कि नहीं। अब लेकिन ये सिस्टम नहीं होगा, ट्रेन ये पूरी मेट्रो टाइम पर चलेगी, यानी कि अगर इसका टाइम 5 बजे का है तो ये सुबह ही अपने आप को स्टार्ट करेगी, तमाम चीजें चेक हो जाएंगी और 5 बजे ये पटरी पर होगी, स्टेशन पर होगी यार्ड से निकलकर। यानी कि आप मेट्रो में अगर कहीं से भी देरी की कोई संभावना बसती थी तो उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब आप बात करते थे ड्राइवर से, यदि इमरजेंसी बटन दबाकर इसके जरिए आप बात करते थे, स्पीकर लगा हुआ है और इसका ये माइक यहाँ लगा हुआ है, लेकिन अब आपकी बात यहाँ इन दोनों के जरिए नहीं होगी बल्कि सीधा कंट्रोल रूम के जरिए होगी। यानी कि अगर आप केबिन से इमरजेंसी का बटन दबाते हैं तो आप कंट्रोल रूम में बात कर पाएंगे, और दरवाजे जो पहले ड्राइवर यहां से ऑपरेट करता था अब वो सीधा ऑटोमेटिकली स्टेशन पर जाकर खुलेंगे। यानी कि बहुत सारे परिवर्तन के साथ नए रूप की मेट्रो ड्राइवरलेस अब दिल्ली में चलनी शुरू हो गई है। अंशिका से मिलवा रहे हैं हम आपको, अंशिका से मिलना आज इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आज अंशिका देश की पहली वो लड़की है जो ड्राइवरलेस मेट्रो का सफर कर रही है, और कोई ज्यादा पैसेंजर नहीं है। अंशिका एक अलग अनुभव, एक अलग दिन, क्योंकि जब आप मेट्रो में बैठ रही थी मैं आपको देख रहा था तो आपको अंदाजा नहीं था कि ये ड्राइवरलेस मेट्रो। जब मैं पहले मेट्रो में, मतलब आई वॉज जस्ट सीइंग, जब पहले सर ने बोला जो अनाउंसमेंट हुई दैट वॉज कि यहाँ पे ये पैसेंजर के लिए सेटिंग नहीं है, तो हम लोग एकदम पीछे हो गए। आई डिडंट न्यू कि व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब एक उत्सुकता होती है जानने के लिए कि क्या हो रहा है। सो मुझे सर ने बोला कि ये पैसेंजर ट्रेन है तो आप अंदर आ सकते हैं। मैं अंदर आई तो आई गॉट टू नो कि ये मैं फर्स्ट पैसेंजर लेस मेट्रो में बैठ रही हूँ, ड्राइवर लेस मेट्रो में बैठ रही हूँ। दैट इज अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई फील प्रिविलेज टू बी। अच्छा, आप जब सोचते हैं कि ड्राइवर लेस मेट्रो तो आप क्या, मतलब दिक्कतें भी सोचती हैं कि जैसे अभी ये गेट है, अभी ये पहले ड्राइवर ओपन करता था वो ऑटोमेटिकली अपने आप होंगे, सेंसर लगे? सर बिल्कुल सर, एक्चुअली आई एम इनटू पायलट ट्रेनिंग, तो ये चीज उसमें भी आती है कि ड्राइवरलेस एयरप्लेन्स भी आने वाले हैं, तो हाँ एक तरीके से हम लोग की नौकरी भी जा सकती है उस चीज में। तो एक तरीके से वो नेगेटिव भी है, बहुत लोगों की नौकरी भी जाएगी अगर इसको पॉजिटिव। टेक्नोलॉजी बनाने वालों को नौकरी भी तो मिलेगी ना सर, बट वो इक्के दुक्के लोगों के, मतलब जितने लोगों की पहले एम्प्लॉयमेंट थी उसे 50% कम हो जाएगी। एक पर जैसे अगर पहले 2 लोग चाहिए होते थे आज इन द बोथ साइड, तो उसे 1 हो जाएगा, सिर्फ 1 बंदे को देखने के लिए चाहिए। तो हाँ नेगेटिव भी है, बट हाँ टेक्नोलॉजी जैसे इंक्रीज हो रही तो ऑब्वियसली पॉजिटिव तो है। लेकिन जो इसे ऑपरेट करेंगे, जो पूरा सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगी? मतलब आपका डर ठीक है, आपको एक डर ये भी लगा कि आप जिस मेट्रो में सफर कर रही हैं ऐसा ना हो कि वो आने वाले दिनों में लोगों का रोजगार छीने, लेकिन इसे कैमरे के जरिए देखना, ऑपरेशन जो भी होगा उस पर नजर रखना, जो भी सिस्टम बनेगा उस पर लोगों का होना, वहां से भी तो रोजगार जनरेट होगा। सर होगा रोजगार जनरेट तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, तो इस नहीं तो किसी और फील्ड में और जगह नौकरियां तो आएंगी, बट हाँ पॉजिटिव्स है तो नेगेटिव्स भी है, तो दोनों चीजें हैं। बट एट लास्ट आई फील एब्सोल्युटली फाइन टू बी अ पार्ट ऑफ इट। चलिए ड्राइवरलेस मेट्रो के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। आपके लिए कैसा अनुभव है ये जो आज आप देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर कर रहे हैं? अच्छा है, कुछ मन में सवाल भी होंगे कि बिना ड्राइवर के मेट्रो चल रही है? सवाल ना ना कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सवाल क्या है, सही अच्छी बात है, चल रही है, तरक्की हो रही है देश की। नई नई चीजें, नई नई चीजें है। आप पहली देश की ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर कर रहे हैं, क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में? सोचते हैं परिवर्तन बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, पहली बार सोचा भी नहीं था कभी बिना ड्राइवर की मेट्रो चलेगी इंडिया में। मोदी जी को थैंक करते हैं जो उन्होंने चलाई है ये, उसके अलावा क्या बोले। अभी मेट्रो कहती है कि बहुत सारा टाइम कई बार लग जाता है, जैसे आप बस से भी सफर करते होंगे तो ड्राइवर आ रहा है, टाइम लग रहा है, वेस्टेज हो रही थी। वो तो होता है सवारी के लिए, एक एक घंटे खड़ी कर लेते हैं, 15-15 मिनट खड़ी कर देते हैं, जहाँ उनका दिल करता है वहाँ खड़ी कर देते हैं, जहाँ दिल करता है वहाँ सवारी उतारते हैं। मेट्रो में भी जो टाइम लगता था रियल टाइम में, वो सब रियल टाइम में हो रही चीजें। तस्वीरें देख लीजिए, आप क्या करते हैं? मैं एम्स में जॉब करता हूँ, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अभी ड्राइवरलेस मेट्रो के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, सेंसर लगे हुए हैं, रियल टाइम में पहुँचेगी, जो टाइम वेस्टेज था वो नहीं होगा, और आपका तो काम भी ऐसा है कि टाइम पे होना चाहिए। जी अच्छा है,
हम तो इसको पहले से जब से स्टार्ट हुई है तभी से पता चल रहा था कि ये ड्राइवर लेस होगी, तो अभी तक तो ऐसे ही था, अब आज से शुरू हो रहा है, अच्छा है। अच्छा, खुशी तो जरूर होगी, पहली ट्रेन, पहले आप पैसेंजर। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि आज ही से स्टार्ट होगी, बहुत खुशी हो रही है। पहले पैसेंजर की लिस्ट में इनका नाम भी है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम में परिवर्तन किया गया है। सर, आप किस तरीके से लेते हैं इस ड्राइवरलेस में? अच्छा लग रहा है, मतलब कोई ऐसा डर भी लगता है क्या? कि डर नहीं लग रहा, सही लग रहा है, जैसे ड्राइवर चला वैसे चल रहा है, लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है। ये आप देख रहे थे ड्राइवरलेस मेट्रो से पूरा प्रोग्राम, और मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।